गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। यस, बट दिस टाइम इट इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि जब मैंने अमेजोन का और मिंत्रा का हॉल डाला था तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि स्वेटशर्ट और जैकेट से रिलेटेड भी आप कुछ हॉल करो, एज अभी सर्दी वाला टाइम चल रहा है। सो मैंने की है मिंत्रा से शॉपिंग एंड बहुत ही नॉर्मल रेंज की है। इवन 600 to 700 के प्रोडक्ट्स है, 700 से मैक्स कोई भी नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ यार 2-3 महीने की रहती है। ज़्यादा हाई फाई या कॉस्टली परचेज करके भी कोई सेंस नहीं है, उसको हमें सिर्फ 2 महीना पहनना होता है। तो रेंज वाइज आप बहुत ही टेंशन फ्री हो जाइए, सिर्फ 700 की रेंज के हैं। एंड इन केस अगर आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ खरीदना हो। फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज ब्लैक वन, एज मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है, मैं नहीं छोड़ती यार। ब्लैक से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे दिख जाती है, अच्छी भी होनी चाहिए, लेकिन ब्लैक कलर यू नो पार्टी वेयर भी होता है, कैजुअल भी होता है, और आप थोड़े से थिन भी लगते हो ब्लैक पहनने के बाद, थोड़ा अलग ही फील आता है। तो ये मैंने खरीदा है ब्लैक कलर का स्वेट शर्ट कम टॉप बोल सकते हो उसको, ट्रेंडी सा। यू कैन सी अमेजिंग गाइज, मैं मतलब आपको बताऊँ दिस वन इज माय फेवरेट। अभी जो मैंने जितने भी खरीदा है उसमें से सबसे फेवरेट लगा मुझे ये, क्योंकि इसकी स्लीव जो एक साइड है वो फुल शोल्डर है और दिस वन इज फुल, तो जब आप उसको पहनते हो तो थोड़ी सी ठंडी आपको इस शोल्डर पे लग सकती है, अदरवाइज बहुत ट्रेंडी लगेगा वो दिखने में। एक शोल्डर में इन्होंने यहाँ पे एक फ्लावर दिया हुआ है जो कि वर्क में है, तारी वर्क बोलते हैं इसको, अच्छा है, ऐसे धोने वोने से भी खराब होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा वर्क है इसका। इस फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो सी दिस, आप खुद को देखने पे ही पता चल जाएगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। मोरओवर जो अंदर से फैब्रिक है ना वो भी वुलन वाला है, तो ये आपको बहुत अच्छी वार्मनेस देगा, शोल्डर पे थोड़ी सी ठंडी लगेगी, अदरवाइज वार्मनेस बहुत है इसके अंदर। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो MRP पे आप कभी भी मत जाओ, MRP से लिखी हुई है 1900 रुपये, लेकिन यस ये मुझे पड़ा था 682 रुपीज़ का। तो 700 की रेंज में ही आपको इतना प्यारा सा स्वेट शर्ट कम टॉप मिलता है जिसको आप नॉर्मल पार्टीज में भी पहन सकते हो। द नेक्स्ट वन इज हुडी है, ये जैकेट स्टाइल में है, आप देख लो ब्लू कलर है, तो ब्लू आपके कोई भी जींसेस के साथ भी जाता है, कुर्तीज के साथ भी जाता है, तो ऐसा आपको कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि सिर्फ जीन्स के साथ ही जाएगा, या जो ब्लैक वाला था उसको सिर्फ आप जीन्स वगैरह के साथ ही पहन सकते हो, लेकिन इसको आप अपनी कुर्तीज के साथ भी पहन सकते हो। सी दिस गाइस, तो इसके साथ इन्होंने डार्क ब्लू कलर का बेस है इसका और लाइट ब्लू कलर के साथ लाइनिंग सी है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। फ्रंट में भी है ऐसी की ऐसी इन्होंने बैक में भी फुल दी हुई है, और इसके साथ आती है 2 पॉकेट्स, यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन। तो कोई भी हुडी अगर आप लोग लेते हैं तो उसके साथ ये पॉकेट्स जो आती है उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। हुडी का मतलब बेस यही है कि हुड आएगा और पॉकेट्स आएगी, तो थोड़ा सा कूल वाला लुक आता है उसके साथ। और इसकी जिप दी हुई है यहाँ पे दिस वन, तो बहुत स्मूथ है ये भी, ऐसा जैसा देसी वाला माल नहीं है कि खराब हो जाएगी फटाफट से, बहुत स्मूथ है। और यहाँ पे जैसे कि हुडीज में आते हैं यहाँ पे भी रेसेस दी हुई है और इसके लो साइड में भी दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ से टाई करके आप इसको थोड़ा सा फोल्ड करके भी आप एज अ शॉर्ट टी शर्ट टाइप में भी इसको पहन सकते हो। तो गाइस इसका जो फैब्रिक है वो वुलन वाला ही है नॉर्मल, जो मैंने इसकी मंगवाई थी मीडियम, एंड प्राइस है इसकी 679 रुपीज़ ओनली। तो 679 मतलब 680 रुपीज़ में अगर आपको ये वाला हुडी मिलता है जिसको आप सबके साथ पहन सकते हो, लाइक साड़ी के साथ भी पहन सकते हो, जीन्स एंड कुर्तीज के साथ भी पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटा वाला फैब्रिक नहीं है, थोड़ा सा थिन है, लेकिन ये दिन भर अगर आपको पहनना हो तो आप बहुत मोटा वाला फैब्रिक भी नहीं पहन सकते यार दिन भर, तो मतलब नॉर्मल कैजुअल वेयर आपके लिए एकदम परफेक्ट जाएगा। अगर आपको परचेज करना हो तो डेली वेयर में अगर आपको परचेज करना हो, दिन भर आपको पहनना हो, तो इसके लिए ये वाला चीज़ बहुत अच्छी है। एंड नेक्स्ट वन इज एक हाई नेक टी शर्ट है ये, और ये आपको बहुत सिंपल सी लगेगी, अभी मैं आपको शो करूँगी। तो मरून कलर है इसका, बहुत सिंपल सी हाई नेक टी शर्ट है, लेकिन ये इसकी जो स्लीव्स है आप देखो, सी दिस, तो इसकी स्लीव्स के साथ ये इतना प्यारा लग रहा है ना पीस, मतलब इसको देखते ही मेरा दिल आ गया था इसलिए, इतना सुपर्ब है गाइस, आप देखो इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी है।
बाकी आप देखो इसका कलर अपने आप में बहुत सुपर्ब है, क्योंकि जो मरून कलर होता है विंटर्स के टाइम में ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, रेड एंड मरून, क्योंकि आपके सर्दी के कारण चिक्स भी रेड हो जाते हैं, फिर आप कुछ कुछ इस तरह की चीज़ पहनते हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। एंड सिंप्लिसिटी के साथ जो ये ट्रेंडी वाली स्लीव्स दी है इसकी, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। सेम ब्लू कलर, मरून एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। ये भी साइज मैंने मीडियम ही मंगवाया था और प्राइस थी इसकी 579 रुपीज, ओनली 580 रुपीज तक का ये प्रोडक्ट है ओनली। पता नहीं मिंत्रा वाले 79-69 ऐसा क्यों प्राइस देते हैं, तो यस मैं आपको राउंड फिगर में बता दूं 580 प्राइस है इसकी। यस फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है, नॉर्मल है, जैसा वो ब्लैक वाला था उसके अंदर भी उन्होंने वॉर्मनेस दी हुई थी कुछ, लेकिन यस इसमें सच अंदर से कुछ नहीं लगाया हुआ है, नॉर्मल है, लेकिन ये अपने आप में बहुत मोटा सा फैब्रिक है जो आपकी ठंडी से तो आपको इजीली बचा ही देगा, ये मैं श्योर बोल सकती हूँ, क्योंकि इतना ठीक है, पतला नहीं है फैब्रिक। एंड गाइस अगर आप अच्छे से पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका फैब्रिक, एंड इसकी स्लीव्स तो मैं क्या बोलूँ यार, बहुत ही अच्छी है। प्राइस वाइज और नॉर्मल फैब्रिक वाइज भी बहुत अच्छा है ये भी प्रोडक्ट, एंड इसको आप नॉर्मल कॉलेज एंड ऑफिस में इजीली पहन सकते हो, डेली पर्पज में भी आप पहन सकते हो, नो प्रॉब्लम, एज अ टी शर्ट आप इसको कैरी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज अ डेनिम जैकेट, जो कि मेरे पास नहीं थी अभी तक कोई भी डेनिम जैकेट। एंड गाइज दिस इज के साथ ये स्ट्रिप्स आती है कलरफुल सी, बाकी नॉर्मल सी डेनिम जैकेट है जो हल्का फुल्का वॉश है इसके अंदर। एंड इसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि डेनिम जैकेट्स हमें पता है थोड़ी सी अबाउ 1000 रुपीज़ आती है, मतलब इससे सस्ती जैकेट्स नहीं मिलती है हमको, लेकिन इसकी प्राइस है ओनली 530 रुपीज़ की ओनली जैकेट है। 500 रुपये में यार नॉर्मल आप कोई टॉप लेने जाते हैं ना वो भी नहीं मिलता है, तो अगर आपको 530 रुपीज़ में डेनिम वाली जैकेट मिलती है तो आप देख सकते हो। गाइस ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा मोटा फैब्रिक नहीं है इसका कि आपको ठंडी से बचाएगा, लेकिन यस आपको थोड़ी सी स्टाइल जरूर दे देगा ये वाला जैकेट। तो अगर आप इसको किसी हाई नेक के साथ पहनोगे, या जो ये मरून वाला हाई नेक था इसके साथ अगर आप ये पहनोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। और नॉर्मल आप कोई भी ब्लैक हाई नेक या सिंपल सा कोई टॉप भी आप इसको पहन सकते हो, यस ये बहुत स्टाइलिश है। इसके साथ इन्होंने स्लीव्स में इस तरह की स्ट्रिप्स दी हुई है दोनों स्लीव्स में, और बाकी जो डेनिम में आता है ये बटन दिए हुए हैं, दो पॉकेट्स है इसकी दोनों साइड में, यू कैन सी, एंड आगे सारे बटन दिए हुए हैं। एंड यस फैब्रिक में आपको बताऊं तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है ये, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट लगेगा पहनने के बाद, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, फैब्रिक स्ट्रेच है, तो कोई भी डेनिम की अगर हम चीज लेते हैं और वो फैब्रिक स्ट्रेचेबल होना तो आप उसको पूरे दिन इजीली पहन सकते हो, तो फैब्रिक वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन यस वॉश करने के बाद डेनिम का पता चलता है कि इसका कितना कलर जाएगा, लेकिन इस यार 500 रुपये में क्या लेंगे यार अभी, तो मुझे ये वाली चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, एज अप टू द मार्क नहीं है जो डेनिम की जैकेट्स आती है, बहुत मोटी सी बहुत वैसी, लेकिन ये स्टाइलिश है ये थोड़ी सी। सो गाइस साइज मैंने मंगाई थी मीडियम एंड प्राइस मैंने आपको बता दी 527 रुपीज़ ओनली। तो गाइस ये था मेरा स्वेट शर्ट एंड जैकेट एंड हुडी मिक्स वाला मिंत्रा हॉल, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली था, 700 की रेंज में था। तो इन केस अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो फटाफट से आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए। एंड यस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है लाइक से, लेकिन यस अगर आप करते हो लाइक तो मोटिवेशन मिलती है कि हमारा जो कंटेंट है लोगों को अच्छा लग रहा है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों को पहले करना।